वेलकम टू बैक एनसीईआरटी एजुकेशनल चैनल। और आज हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 9th है। और इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9th में तो देखेंगे अंतर तारकीय गैस, तो यह इंटरसेलर जो गैस होती है इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ये क्या होता है एक्चुअल में और इसका ये किस कारण बनता है और कहाँ उपयोग है इसका, ये हम देखेंगे। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अंतर तारकीय गैस को। तो अंतर तारकीय गैस तारों के बीच जो तारे होते हैं स्टार्स, उनके विक्षरित स्थानों में उपस्थित होता है। वहाँ जो तारों के बीच जो रिक्त स्थान बनती हैं तो उन उपस्थित वहीं पर जो है ये अंतर तारकीय गैस, इसको अंतर तारकीय तारकीय गैस भी बोल सकते हैं, तो अंतर तारकीय गैस उपस्थित रहती है। ठीक, यह गैस धूल कणों के साथ पाई जाती है। यह जो गैस है तो इसमें क्या है कि धूल कण भी, धूल के कुछ कण भी है इसके साथ, अंतर तारकीय गैस के साथ धूल कण भी रहते हैं। तो यह जो गैस है मुख्यतः धूल कणों के साथ पाई जाती है। ठीक, गैस के तारों के प्रकाश से विशेष रंगों जो है गैस के अणु है तारों के प्रकाश से विशेष रंगों को सोख लेते हैं। तो गैस के जो अणु है वो तारों के जो स्टार्स के जो लाइट्स होते हैं उसके विशेष रंगों को सोख लेते हैं और इस प्रकार उनके कारण तारों के वर्णपट में काली धारियां बन जाती हैं। ऐसी काली धारियां सामान्यतः तारे के निजी प्रकाश से बनी होती है, बन सकती हैं। ठीक, काली रेखाएं अंतर तारकीय धूल से बनी होती हैं। इस प्रमाण इन युग्म तारों से मिलता है जो एक दूसरे के चारों ओर नाचते रहते हैं। इन तारों में से जब एक हमारी ओर आता है तब दूसरा हमसे दूर जाता है। ठीक, इन तारों में जब एक हमारी ओर जाता है तो एक जो दूसरा रहता है वो हमसे दूर जाता है। परिणाम यह होता है कि डॉपलर ने नियम दिया था उनके अनुसार वर्णपट में एक तारे से कई प्रकाश काली रेखाएँ कुछ दाहिने हट जाती हैं, इस प्रकार दूसरे तारे के प्रकाश से बनी रेखाएं दोहरी हो जाती हैं, परंतु अंतर तारकीय गैसों से उत्पन्न काली रेखाएं इकहरी होती है, इसलिए ये जो गैस होती हैं वो तीक्ष्ण रह जाती हैं। ठीक, अंतर तारकीय गैस में कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम और लोहे के अस्तित्व का पता इन्हीं तीक्ष्ण रेखाओं के आधार पर चलता है। देखिए, अंतर तारकीय गैस में जो कैल्शियम का प्रेजेंट और ये पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम, लोहे का अस्तित्व का पता जो चलता है किससे, ये जो तीक्ष्ण रेखाएं होती हैं इनके आधार पर इनका पता लगाया जाता है। तो आई होप यह आपको अंतर तारकीय गैस इंटरस्टेलर गैस के बारे में पता चला होगा, इंटरस्टेलर गैस के बारे में पता चला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।